Hey, what's up guys, this is Ritesh and welcome to the another video of Ritesh Creations. So guys, आज की जो वीडियो guys काफ़ी डिमांड थी इस वीडियो की guys, मैंने एक फोटो को Instagram और Facebook पे अपलोड किया तो आप लोग काफ़ी कमेंट आए कि भाई इसका जल्दी से वीडियो बनाइए guys. इससे पहले वैसे वीडियो लाइट रूम के थोड़ा ट्यूटोरियल के बारे में आने वाला था, सो सॉरी यार वो वीडियोज़ थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन मैं उसे जल्दी ही अपलोड कर दूंगा. लेकिन उससे पहले चलिए जल्दी से हम देखते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को कि इसकी इतनी डिमांड क्यों है. तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा समय लेते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं. और यार वीडियो के नीचे यार लाइक बटन को दबाकर अपना प्यार बढ़ा देना, और अगर साथ ही हमारे चैनल से जुड़ने के लिए तो उस लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और गाइस हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए पास वाले बेल आइकन को दबा देना. सो गाइस आप मेरी स्क्रीन पर ये बैकग्राउंड देख सकते हैं. तो सबसे पहले हम इसे सेंड करेंगे गाइस, इसे खोल लेंगे फोटो एडिटिंग एक्सपर्ट PicsArt एप्लीकेशन में. सो गाइस देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है. सो सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर अपने मॉडल को लेके आना है और बैकग्राउंड जो मैंने आपको पहले ही अरेंज करना बताया है कि मॉडल का बैकग्राउंड कैसे अरेंज करते हैं, अगर आपको नहीं पता तो गाइस आपको उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा कि बैकग्राउंड कैसे अरेंज कर दें, तो आप एक बार वो वीडियो ज़रूर देखिए. तो हमने ऐसे यहाँ से कर देंगे गाइस ऐड. ये देखिए हमारा मॉडल्स कुछ इस तरीके के होंगे गाइस, ये बहुत ही नॉर्मल मॉडल्स हैं, तो बस मैंने इनको इरेज किया हुआ है, तो आपको भी कुछ इस तरीके से इन्हें इरेज कर लेना है गाइस. इरेज करने के बाद अब आपको क्या करना है, सबसे पहले हम जाएंगे गाइस यहाँ से इफेक्ट्स में. इफेक्ट्स में जाने के बाद हम जाएंगे यहाँ से गाइस करेक्शन में. करेक्शन में जाने के बाद फेस फिक्स, और गाइस फेस फिक्स की जो ओपेसिटी है वो गाइस वो आपको रख लेनी है लगभग 8, 7, 6 के आसपास. और यहाँ से हम करेंगे गाइस अपने मॉडल्स के जो चेहरे हैं उनको स्मूथ. उसके बाद हम ये वाला हम स्मूथ करेंगे. गाइज इसे यहाँ से हम कर देंगे डन. गाइज डन करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले हम ऐड फोटो पे क्लिक करेंगे. अगर आपके अपने फोटो को थोड़ा सा ब्राइटनेस या मतलब अगर आपको सीवी के जैसी चमक लेके आनी है तो आप वही तरीका अप्लाई करेंगे, ऐसे फोटो को रख देंगे और यहाँ पर आप इफेक्ट्स पे क्लिक करेंगे. और इफेक्ट्स पे क्लिक करने के बाद आपको करना है आर्टिस्टिक. आर्टिस्टिक पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर चलना है गाइज फैटल वन. फैटल वन को गाइज क्लिक करेंगे, यहाँ पर इसका जो फेड है वो आप कर देंगे 0. इसको कर देंगे गाइज यहाँ से मल्टीप्लाई. मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसका फेड देख सकते हैं कितना है, तो वैसे मैं यहाँ पर बोलूँगा कि आप इसे 0 ही रखें. यहाँ से हम कर देंगे इसे डन. और गाइज इरेजर पे क्लिक करके गाइज हम एक्स्ट्रा पार्ट को इरेज कर देंगे, जैसे कि अपने चेहरे को, क्योंकि हमें वो नहीं चाहिए. गाइज इसे हम यहाँ से कर देंगे डन. तो गाइज ये देखिए अभी हमारा फोटो काफ़ी ठीक लग रहा है, इसे हम यहाँ से कर देंगे डन. और गाइज डन करने के बाद अब हमको इसमें क्या करना है गाइज, इनके हेयर्स बनाने होंगे. तो गाइज हेयर्स बनाने वैसे मैंने आप लोगों को सिखा रखे हैं, तो उसकी वीडियो अगर आपको देखनी है तो देख सकते हैं. बाकी मैंने इनके हेयर्स पहले से बनाए हुए हैं, हेयर PNG बना के रखे हुए हैं, तो मैं उनको यहाँ पर जल्दी से एडजस्ट कर देता हूँ. तो गाइज इनके हेयर्स भी लग चुके हैं, अब अभी हमें कुछ नहीं करना, अभी एक ऐड फोटो करेंगे यहाँ से गाइज. और ऐड फोटो करने के बाद गाइज हम इनमें लगा देंगे कुछ टेक्स्ट PNG जो कि गाइज ब्रो कोड को यहाँ पर डिफाइन करेगा. ये देखिए ये टेक्स्ट दिखने में काफ़ी, और गाइज इसी की बहुत ज़्यादा डिमांड थी. यहाँ पर दोबारा से हम ऐड फोटो पर करेंगे गाइज, यहाँ पर कुछ लाइट के PNG लगा देते हैं हम लोग जो कि दिखने में अच्छे से लगें थोड़े. और इसे हम कर देंगे ब्लेंड और स्क्रीन कुछ इस तरीके से गाइज, ये यहाँ से ज़्यादा डन. तो गाइज फोटो का कस्टमाइजेशन जो है वो हो चुका है पूरा कंप्लीट. अब गाइज हम इसको करेंगे थोड़ा सा रिटच. रिटच करने के लिए पहले फोटो कर लेते हैं हम यहाँ से सेव, और सेव करने के बाद जाएंगे हम गैलरी में. सो गाइज ये देखिए मैं यहाँ से अपनी गैलरी में आ चुका हूँ. अब इस हम फोटो को करेंगे गाइज सेंड, और इसे खोल लेंगे गाइज स्नैपसीड एप्लीकेशन में. सो एप्लीकेशन तैयार हो गया. सो गाइज एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है, सबसे पहले टूल्स पे क्लिक करेंगे, और गाइज इसे टीन इमेज पे क्लिक करके गाइज हल्का सा करते हैं रिटच गाइज, वो भी नीचे की तरफ से. तो आप इसकी वार्म्थ को कर देंगे गाइज कम, और गाइज इसकी शेडोज़ को बढ़ा देंगे. इसके बाद आप इसको हाईलाइट कर देंगे हल्का सा, एम्बियंस को बढ़ा देंगे गाइज, और सैचुरेशन को हल्का सा, और कॉन्ट्रास्ट को भी, और यहाँ से कर देंगे डन. गाइज डन करने के बाद आपको सबसे पहले मॉडल्स की जो ब्राइटनेस है वो हमें यहाँ पर एडजस्ट करनी है. तो देखिए सबसे पहले मैं इसकी ब्राइटनेस 1+ के आइकन पर फिर से क्लिक करेंगे गाइज, इसकी ब्राइटनेस भी, और यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे गाइज, इसकी ब्राइटनेस भी हो चुकी है ठीक. तो हम यहाँ से कर देंगे गाइज इसे डन. गाइज डन करने के बाद टूल्स पर जाएंगे नीचे गाइज, पोर्ट्रेट का यूज़ करेंगे.
गाइज ये क्या करेगा गाइज, ये हमारे जो चेहरे को अगर बैकग्राउंड के हिसाब से ज़्यादा हाईलाइट कर देगा यहाँ पर। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। तो गाइज ये देखिए, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि गाइज ये देखिए हमारा फ़ोटो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हो चुका है, और हम इसे यहाँ से कर देंगे डन। गाइज डन करने के बाद अभी इसके फ़ोटो की क्वालिटी को थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे, डिटेल्स पे क्लिक करेंगे गाइज, यहाँ से शार्पिंग को थोड़ा सा बढ़ा देंगे और यहाँ से स्ट्रक्चर को भी हल्के से बढ़ा देंगे, वो हिसाब कर देंगे हम डन। डन करने के बाद गाइज फोटो में डालेंगे विग्नेट इफेक्ट, जिससे कि जो है फोटो हमारा लगने का लगेगा चारों तरफ से बहुत ही अच्छा। तो ये देखिए हम यहाँ से इसे कर देंगे डन। गाइज डन करने के बाद अब देखिए यहाँ पर आपको गाइज डन करने के बाद अब आपको यहाँ पर वाइट बैलेंस पे क्लिक करना है। और गाइज इससे आप देखिए सबसे पहले टेम्परेचर को एडजस्ट कर लेंगे फोटो के हिसाब से कि फोटो को टेम्परेचर आपको कैसा करना है, और ऐसे आप गाइज हल्का सा टिंट भी कर देंगे तो ये और भी अच्छा लगने लगेगा कुछ इस तरीके से। हम यहाँ से इसे कर देंगे डन। गाइज फोटो को मैच करने के लिए बैकग्राउंड से यहाँ कर्व्स पे क्लिक करेंगे, कर्व्स पे क्लिक करने के बाद गाइज हम यहाँ पर कलर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से गाइज ब्लू कलर लेंगे पहले, और गाइज ब्लू कलर को देखिए हल्का सा हम बढ़ा देंगे। उसके बाद हम गाइज यहाँ पर रेड कलर लेंगे, गाइज रेड कलर को भी हम हल्का सा यहाँ पर बढ़ा देंगे और इसे हम यहाँ से कर देंगे डन। सो गाइज देखिए पहला फोटो, अब मैं आपको दिखाता हूँ PicsArt में हमारा फोटो बना था कुछ इस तरीके से, मतलब कि गाइज हमारा फोटो PicsArt में केवल और केवल तैयार हुआ था, लेकिन हमने इसे रिटच किया तो हमारा फोटो बन चुका है इस तरीके का। सो गाइज कैसी लगी आपको वीडियो, आई होप कि आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी। अगर वीडियो को पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और गाइज साथ ही चैनल के लिए है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गाइज वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। With the bills.